हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो सभी? तो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी हम चैप्टर कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, ठीक है, दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें से। तो नेक्स्ट ये हमारा पार्ट नंबर 6 है, इससे पहले 5 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 165 तक जो है कम्प्लीट कर लिया था गाइस। नेक्स्ट इस पार्ट के अंदर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 166 से सोल्यूशन। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट कर दीजिएगा। देखो गाइस, 166 नंबर क्वेश्चन है, ये कहते हैं कि इफ़ साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, अगर ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी है, देन वट इज टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय टेंजेंट वाई इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल होगा। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि टेंजेंट एक्स बाय जो है वो ए बाय बी के इक्वल होगा अगर ये अपने को गिवन हो तो, लेकिन फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवा देता हूँ। तो हमें गिवन है साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय, क्या दिया हुआ है अपने को, साइन एक्स माइनस में वाई, और इक्वल दिया हुआ है ए प्लस में बी डिवाइड बाय ए माइनस में बी। तो यहाँ हम रूल अप्लाई कर देते हैं, कौन सा, कंपोनेंडो और डिविडेंडो वाला, ठीक है। तो वो क्या होता है रूल कि न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, तो ये क्या आएगा साइन एक्स प्लस में वाई, और प्लस में ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस वाई, और उसको डिवाइड कर दो न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करके, मतलब साइन एक्स प्लस वाई में से माइनस कर देते हैं साइन एक्स माइनस में वाई को। सेम चीज़ इधर अप्लाई होगी, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, तो ए प्लस बी में ऐड करेंगे ए माइनस बी, और डिवाइड बाय ए प्लस बी में से माइनस कर दो इसको, इसको माइनस करोगे ये माइनस का ए और ये प्लस का बी हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं साइन ए प्लस में साइन बी का फॉर्मूला यूज करूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए प्लस में बी डिवाइड बाय टू, तो ए प्लस में बी करोगे तो वाई से वाई कैंसिल, तो टू एक्स आएगा, और डिवाइड बाय टू करोगे एक्स, और कोस ए माइनस बी डिवाइड बाय टू करोगे तो यहाँ वाई आएगा। सिमिलरली डिवाइड में टू साइन ए माइनस में साइन बी का फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ आएगा कोस एक्स इंटू में यहाँ आ जाएगा साइन वाई इज इक्वल टू में, यहाँ देखो बी से बी कैंसल तो टू ए आया और डिवाइड में आ गया टू बी, टू से टू कैंसल, यहाँ टू से टू कैंसल, साइन डिवाइड बाय कोस क्या हो गया टेंजेंट एक्स हो गया, डिवाइड में इस कोस को मैं जब इस साइन के डिवाइड में यहाँ लेके आऊँगा तो साइन बाय कोस क्या हो जाएगा टेंजेंट वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए डिवाइड बाय बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167, ये कहता है इफ साइन ए इंटू में साइन 60 माइनस ए इंटू में साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू के टाइम ऑफ साइन 3 ए है, देन व्हाट इज इक्वल टू, मतलब आपको बताना है कि के जो है वो आपका किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये चीज है गाइस, तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंसेप्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। क्या यूज़ कर लेते हैं, हम कंसेप्ट यूज़ कर लेते हैं। देखो क्या कंसेप्ट होता है कि साइन 60 माइनस में ए इंटू में साइन 60 प्लस में ए इज इक्वल टू होता है हमारे पास साइन 3 ए डिवाइड बाय 4 साइन ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट होगा वो किसके इक्वल होता है, इस रिजल्ट के इक्वल होता है। अब ये इसको कॉपी में नोट कर लेना, ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है साइन 60 माइनस ए इंटू में साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू होता है साइन 3 ए डिवाइड बाय 4 साइन ए। तो यहाँ पे है मेरे पास साइन ए और मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन 3 ए और डिवाइड बाय आ जाएगा 4 साइन ए और इक्वल में है के टाइम ऑफ साइन 3 ए, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसल, तो ये आ जाएगा 1/4 साइन 3 ए इज इक्वल टू के इंटू में साइन 3 ए, तो साइन 3 ए से साइन 3 ए कैंसल, के की वैल्यू आई 1/4। ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्लियर, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, ये कहता है द लाइन वाई इज इक्वल टू रूट एक्स मीट्स द ग्राफ वाई इज इक्वल टू टेंजेंट, तो यहाँ दे रखा है वाई इज इक्वल टू रूट एक्स और यहाँ दे रखा है वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, दोनों वाई के इक्वल है तो इसका मतलब टेंजेंट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी √3। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ कितना आएगा, √3 किस पे होता है अभी 60 डिग्री पे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आई 60 डिग्री, और 60 डिग्री एक्स जो है वो इस इंटरवल को बिलोंग करता है 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया,
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट की सिर्फ ए की वैल्यू होगी 60 डिग्री पे, तो कितनी के की वैल्यू कितने पॉइंट पे कट करेगी, सिर्फ एक पॉइंट पे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्स की सिर्फ एक वैल्यू आएगी इस इंटरवल में, इसलिए वो ए की पॉइंट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169 क्वेश्चन, देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है इसका सॉल्यूशन बताना है। मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट ए मल्टीप्लाई में टेंजेंट बी आपका वन होता है, कंडीशन कब होती है, अगर ए प्लस में बी इज इक्वल टू क्या हो, पाई बाय टू, अगर ए प्लस में बी आपका पाई बाय टू है तो इन दोनों की प्रोडक्ट वन आती है। तो यहाँ पे ये क्या है, टेंजेंट टू थीटा इंटू में टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वन आया, तो वन कब आता है, जब इन दोनों का सम कितना हो, पाई बाय टू, मतलब टू थीटा प्लस थीटा कितना आएगा, पाई बाय टू, तो थ्री थीटा इज इक्वल टू कितना, पाई बाय टू, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना, पाई बाय सिक्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। तो इस कंसेप्ट का यूज़ किया, इस चीज़ का हमने यूज़ किया, ये मैंने आपने आपको पहले भी कई बार बताया है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है टेंजेंट के लिए, केस में काफ़ी जगह यूज़ होता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 170, 170, 171 और 172, तीनों क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। पी की वैल्यू निकालनी है 170 नंबर क्वेश्चन में, 71 में क्यू की वैल्यू और 72 में आर की वैल्यू, मतलब पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। ये अपने को पी दे रखा है, क्यू दे रखा है और आर दे रखा है, इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। अब अपने को गिवन है कि 16 इंटू साइन की पावर कितना, 5, इस रिजल्ट के इक्वल है, कोई बात नहीं। तो मैं इस रिजल्ट को सोल्व कर लेता हूं और वो फिर मैं अपना जो है राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर कर लूंगा और पी क्यू आर आ जाएगा। 16 को एज इज लिख लेते हैं, मैं इसको लिख लेता हूं साइन की पावर 4x इंटू में कितना, साइन x, ठीक है, यह आया 16 ब्रैकेट, साइन की 4 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू में कितना, साइन x, 16, साइन स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में कोस 2x डिवाइड बाय 2 का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, साइन एक्स, ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं ना। अब 2 का होल स्क्वायर है, 2 के होल स्क्वायर मतलब 4 आएगा, इसको बाहर लिख लेते हैं, तो 16 बाय 4 आया और यहाँ बचा 1 माइनस में कोस 2x का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में बाहर है साइन एक्स, ये इससे कैंसिल होके आया 4, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस में आ जाएगा बी स्क्वायर कोस 2x और प्लस में आ जाएगा, सॉरी माइनस में आ जाएगा 2ab मतलब 2 कोस 2x और मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है। अगेन कोस स्क्वायर हो गया, कोस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में कोस, यहाँ 2x है तो यहाँ आएगा 4x डिवाइड बाय कितना, 2, ये फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने, यह आया 4, 1 प्लस में ये बना मेरे पास 1 प्लस में कोस 4x डिवाइड बाय कितना, 2, और ये आया माइनस में 2 कोस 2x और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है, साइन एक्स। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, एलसीएम 2 लोगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे रिजल्ट को, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे बाहर डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो 4 डिवाइड बाय 2, यहाँ आएगा मेरे पास 2 प्लस में यहाँ आ जाएगा 1 प्लस में कोस 4x और माइनस में आ जाएगा 4 कोस 2x और मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन एक्स, ये इससे कैंसिल होके 2, यह है मेरे पास 2 और 2 प्लस में 1 कितना हो गया, 3, ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 3 प्लस में आ जाएगा कोस 4x और माइनस में आ जाएगा कोस 2x और मल्टीप्लाई में आ गया साइन एक्स। यहाँ तक आप सभी कब क्लियर। अब देखो, अब मेरे पास है कोस 4x, ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, ये साइन एक्स है और ये 2 है, अंदर प्रोडक्ट करते हैं, जब इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 6 साइन एक्स आ जाएगा, जब इसकी प्रोडक्ट की प्लस में, जब इसके साथ करेंगे तो ये आएगा 2 कोस 4x इंटू में आ जाएगा साइन एक्स, जब इसके साथ करेंगे आएगा माइनस में 8 कोस 2x इंटू में आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे 2 कोस ए साइन बी का, और यहाँ पे मैं इसको 2 कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे 4 इंटू लिख लूँगा, तो यहाँ भी 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे गाइस, ठीक है, तो वो सारा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और कंपेयर करके पी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो
तो आपके पास पी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी जब आप इसको फॉर्मूला यूज़ यहाँ पे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लो टू साइन ए कोस बी का। तो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, फिर प्लस में साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी माइनस फिर साइन ए माइनस बी, तो वो हो जाएगा आपके पास। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ जाएगा सिक्स साइन एक्स प्लस में, यहाँ मैं लिख लेता हूँ ये टू कोस, ये साइन ए कोस बी। तो साइन ए प्लस बी करोगे तो साइन ए प्लस बी करोगे तो फाइव एक्स आएगा, फिर प्लस में साइन ए माइनस बी करोगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का थ्री एक्स आएगा, तो उसको आप बाहर लिखोगे तो ये माइनस में यहाँ आ जाएगा माइनस में साइन थ्री एक्स, फिर माइनस में फोर इंटू क्योंकि टू तो वही, माइनस में फोर इंटू क्या आएगा ए प्लस बी करोगे तो ये आएगा साइन थ्री एक्स, और माइनस माइनस प्लस का करोगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स वो भी फोर। ठीक है, अब आप कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ देखो साइन फाइव एक्स है, साइन फाइव एक्स का कोफिशियंट वन बनेगा, पी की वैल्यू आई वन। साइन थ्री एक्स है, यहाँ साइन थ्री एक्स है, कोफिशियंट इसका क्या आएगा यहाँ माइनस वन यहाँ माइनस फोर, तो कंपेयर करोगे तो माइनस का फाइव, क्यू की वैल्यू माइनस फाइव। और यहाँ देखो साइन सिक्स साइन एक्स है और यहाँ फोर है तो ऐड करोगे टेन, तो आर की वैल्यू आ जाएगी टेन। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, पी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिंप्लीफाई करना था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173, क्वेश्चन नंबर 173 ध्यान से समझना गाइस। अगर देखिए कोई डाउट हो बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो। ये कहता है कि लेट थीटा बी ए पॉजिटिव एंगल इफ द नंबर ऑफ डिग्रीज इन थीटा इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रेडियन इन थीटा, देन एन इरेशनल नंबर 180 बाय पाई रिजल्ट कम्स। ठीक है, ये कहता है कि थीटा कोई भी एंगल है, अगर उसके डिग्री में, जैसे थीटा जो है वो अगर मैं मान लूँ, फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ कि जैसे 30 डिग्री है और रेडियन की अगर हम बात करें तो रेडियन में ये हो जाएगा पाई बाय सिक्स। तो नंबर ऑफ डिग्रीज, नंबर ऑफ डिग्रीज को डिवाइड करें अगर नंबर ऑफ रेडियन से, तो जो रिजल्ट आता है वो आपका ये आता है। मतलब इसको अगर मैं डिवाइड करूँ इस नंबर से तो रिजल्ट ये आता है, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ऑप्शन की हेल्प से कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं हम इसको, ऑप्शन की हेल्प से कर लेते हैं, क्योंकि अगर ऑप्शन की हेल्प से करेंगे तो इजी रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन मैं क्या कर लेता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन उठा लेता हूँ 30 डिग्री, तो थीटा को 30 डिग्री मान लेता हूँ, तो ये तो आया डिग्री में। अगर मैं रेडियन में इसको लिखूंगा तो देखो 30 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, इसमें कन्वर्ट करेंगे इसको, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं भाई हम इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, तो अब ये रेडियन में आ गया, कैंसिल करोगे पाई बाय 6 आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, ठीक है, नंबर ऑफ डिग्री को अगर हम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रेडियन, नंबर ऑफ रेडियन से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा। तो देख लो 30 डिग्री को अगर मैं डिवाइड करूँ, यह आएगा 30 गुना में पाई डिवाइड बाय 180, तो 30 डिग्री से 30 डिग्री कैंसल, ये ऊपर जाके कितना आया 180 बाय पाई, ये रिजल्ट आया। यहाँ देख लो इसने बोला है ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो पहला तो ये इतना तो ट्रू हो गया, इस 30 डिग्री के लिए इतनी कंडीशन ट्रू। अब आगे चलते हैं, आगे ये कहता है कि इफ द नंबर ऑफ डिग्री इन थीटा इज मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ रेडियन थीटा देन इरेशनल नंबर दिस रिजल्ट कम्स। तो अब ये कहता है कि अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये रिजल्ट आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर तो थीटा क्या होगा। तो अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यह आएगा 30 गुना में, यह आ जाएगा 30 गुना में आ जाएगा पाई डिवाइड बाय 180, तो ये हो जाएगा मेरे पास 900 पाई डिवाइड बाय कितना 180। एक ये इससे कैंसिल, इससे करेंगे तो यह आएगा 9 पे गया 10 ये 2 और ये आ जाएगा मेरे पास 5 पाई, कितना आया 5 पाई आया। तो आंसर आना चाहिए मेरे पास ये, लेकिन आंसर आया ये, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका गलत आंसर है। क्लियर, सिमिलरली मैं क्या करूँगा बी ऑप्शन चेक करूँगा, सिमिलरली मैं क्या करूँगा सी ऑप्शन चेक करूँगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। सी चेक कर लो, थीटा को मैं 50 डिग्री लेट कर लेता हूँ तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 50 इंटू पाई बाय 180।
आपको पता है इसको जब डिवाइड करेंगे इससे तो 180 बाय पाई ही आने वाला है, ठीक है। दूसरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 50 × 50 × में पाई बाय 180, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये आएगा 250 पाई डिवाइड बाय 80। कैंसिल करोगे तो ये आएगा 125 पे, 2 पे गया और ये 9 पे, तो ये है 125 पाई बाय 9, और देख लो यही आंसर आया। इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखने पे पता नहीं ऐसा लगता है कितना ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 174 और 175 का आंसर देना है भाई आपको। ये कहता है अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, और अल्फा जो है वो पाई बाय टू और पाई के बीच में लाई करता है, मतलब पाई बाय टू और पाई के बीच में लाई करता है, मतलब अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू बताओ और यहाँ साइन टू अल्फा की वैल्यू बताओ। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो इसका मतलब बी आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो पोली पॉजिटिव दे रखी है, तो बी तो हो ही नहीं सकता ना मेरे भाई। तो हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले इसकी इस क्वेश्चन के रूट्स निकाल लेते हैं, है ना। तो वहां से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं क्वाड्रेटिक है कोस थीटा के अंदर, तो कोस थीटा इज इक्वल टू वही माइनस में बी, बी की वैल्यू कितनी है 5, माइनस में 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करोगे 25, माइनस में 4 ए इंटू सी, सी भी कितना है माइनस का, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। 4 करोगे तो 4 × 20 तो 100, और प्लस में इंटू में सी, तो ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ आ जाएगा 1200 डिवाइड बाय 2 ए, मतलब कितना 50। यह है माइनस में 5 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आया 1225 डिवाइड बाय 50। 1225 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई, 35 होता है, डिवाइड बाय कितना 50। तो एक बार लिख लेते हैं माइनस का 5 माइनस में 35 डिवाइड बाय 50, और एक बार लिख लेते हैं माइनस का 5 प्लस में 35 डिवाइड बाय 50, तो यह आ जाएगा माइनस का 40 डिवाइड बाय 50 और यह आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 50। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू एक तो आई माइनस का 4/5 और एक आई प्लस का 3/5, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में तो कोस नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब 3/4 हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो सिर्फ कोस थीटा की वैल्यू लेके चलेंगे क्या, माइनस का 4/5। अब कोस थीटा अल्फा जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू आई माइनस का 4/5। कोस का उल्टा होता है सीकेंट अल्फा, सीकेंट अल्फा की वैल्यू आई माइनस का 5/4, और हमें पता है कि टेंजेंट अल्फा होता है अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर अल्फा, मतलब ये 25/16 आएगा माइनस में 1, और यहाँ पे इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 3/4, लेकिन नेगेटिव में आएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ साइन टू अल्फा की, तो साइन टू अल्फा होता है 2 sin α × में कोस अल्फा, तो यह आएगा 2 sin α। देखो कोस अल्फा पता है, साइन अल्फा क्या होता है हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस में कोस स्क्वायर, तो 16/25 एलसीएम लोगे 3/5, ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू आई 3/5। कोस की वैल्यू कितनी आई, कोस अल्फा की वैल्यू आई माइनस में 4/5, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यहां से साइन टू अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, क्लियर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 176 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि 1 माइनस में साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर अगर करूं इज इक्वल टू, आपको बताना है किसके इक्वल आएगा, तो इसका होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर करूं क्या कर भाई, कर दो भाई, होल स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस ए, ये प्लस में बी और ये प्लस में सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दो, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस में आएगा बी स्क्वायर प्लस में आएगा सी स्क्वायर, फिर आएगा 2ab, लेकिन ये नेगेटिव है तो माइनस में 2 sin a आएगा, फिर 2bc, तो ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो माइनस में 2 sin a × में कोस ए आएगा, फिर प्लस में 2ac, तो ये ए है और ये सी है, तो ये आ जाएगा 2cos a। देखो साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर 1 होता है, 1 पहले से है तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, माइनस में आ जाएगा ये 2 sin a,
और ये आ जाएगा प्लस में टू कोस ए, और ये आ जाएगा माइनस में टू साइन ए इन टू में कोस ए। अब एक चीज़ देख लो, टू तो कॉमन है, पूरे में से टू कॉमन लोगे टू कॉमन, यहाँ आएगा वन माइनस में साइन ए, ये रिजल्ट। और यहाँ टू कॉमन ले लिया और कोस ए भी इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो कोस ए कॉमन लिया तो यहाँ बनेगा वन माइनस में साइन ए। अब वन माइनस में साइन ए भी कॉमन है, तो वन माइनस में साइन ए कॉमन लिया तो यहाँ बचा वन प्लस में यहाँ बचा कोस ए, तो ये रिजल्ट आ गया। तो टू वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस कोस ए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मैं बिल्कुल स्लो स्लो करवाता हूँ ताकि आप लोगों को हर क्वेश्चन इजी से समझ में आ जाए। कई बच्चे बोल देते हैं कि सर थोड़ा फास्ट करवाइए, भाई तो मेरी आदत नहीं है यार फास्ट करवाने की, मैं ऐसे ही करवाता हूँ इसी स्पीड से। ठीक है, तो स्पीड सही है ना, कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा। कोस थीटा दे रखा है, डिवाइड बाय वन माइनस में टेंजेंट को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कोस थीटा, प्लस में यहाँ दे रखा है साइन थीटा डिवाइड बाय वन माइनस में कोट को लिख सकता हूँ कोस थीटा बाय साइन थीटा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ कोस थीटा आएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा कोस स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय यहाँ आ जाएगा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, प्लस में साइन थीटा ऊपर आ जाएगा एलसीएम लेने पर, ये साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। इसमें से डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। अब एलसीएम देखो सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस में बी ए प्लस बी, तो कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, और डिवाइड में भी आपका क्या है भाई कोस थीटा माइनस में साइन थीटा है, तो ये इससे कैंसल, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वेयर 5 प्लस में साइन स्क्वेयर 10 प्लस में साइन स्क्वेयर 15 प्लस में साइन स्क्वेयर 20 अप टू सो ऑन साइन स्क्वेयर 90 डिग्री इज इक्वल, मतलब आपकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। अच्छा भाई कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं। ठीक है देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं इसी को आगे कंटिन्यू, इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करूँ, ठीक है कहाँ तक 90 तक, ठीक है ना कहाँ तक करना है इसको हम आगे कंटिन्यू 90 तक करना। देखो गाइस, हाँ ये है मेरे पास साइन स्क्वायर 5 प्लस, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं साइन स्क्वायर 10, नेक्स्ट आएगा साइन स्क्वायर 15 और आएगा नेक्स्ट साइन स्क्वायर 20 प्लस में यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर 25, नेक्स्ट आएगा साइन स्क्वायर 30 और उससे नेक्स्ट साइन स्क्वायर 35 और फिर आएगा मेरे पास साइन स्क्वायर 40 प्लस में साइन स्क्वायर 45 प्लस में आएगा फिर 50 साइन स्क्वायर 50 फिर 55 प्लस में 60 फिर 65 फिर आएगा 70 प्लस में 75 फिर 80 प्लस में 85 और फिर आएगा प्लस में 90, क्योंकि 90 तक जाना है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक चीज देखो। मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी वन होता है अगर ए प्लस में बी इज इक्वल टू कितना हो 90। अगर ए प्लस में बी आपका 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी आपका वन होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो यह है साइन स्क्वायर 5 और यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर 85, तो इन दोनों को अगर ऐड करूँगा तो वो 90 बनेगा, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी वन, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वन बनेगा प्लस में। अगर सिमिलरली इन दोनों को ऐड करेंगे तो वन बनेगा प्लस में, सिमिलरली अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो वन बनेगा प्लस में, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वन बनेगा सेम प्रॉपर्टी से, इन दोनों को ऐड करेंगे फिर से वन बना प्लस में, इन दोनों को ऐड किया फिर से वन बना सेम प्रॉपर्टी से, इन दोनों को ऐड किया फिर से वन बना सेम प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट देखो, अगर इन दोनों को ऐड किया फिर से बना वन सेम प्रॉपर्टी से प्लस में, अब ये दो टर्म बच गए, यहाँ बना साइन 90 उसकी वैल्यू वन होती है प्लस में,
साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है लेकिन स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू 1/2 आ गई। तो देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 + 1/2 तो यह बन गया 19/2। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। कैसा लगा ये क्वेश्चन, है ना बिंदास, क्लियर? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है ऑन सिंप्लीफिकेशन, जब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है भाई। तो सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हम, कैसे करेंगे सिंप्लीफिकेशन? टिन 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 सिंपल। क्या करते हैं हम, देखो जो अपने को यहाँ दिया हुआ है साइन 3a और यहाँ दिया हुआ है कोस 3a, साइन 3a फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है? क्या कर लेते हैं हम, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा साइन क्यूब ए प्लस में साइन 3a का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin θ माइनस में 4 sin³θ, 4a डिवाइड में क्या है मेरे पास साइन ए, फिर प्लस में यहाँ है कोस क्यूब ए, कोस का फॉर्मूला होता है 4 cos³θ, फिर माइनस में 3 sin³θ प्लस में, सॉरी लेकिन बाहर क्या है यहाँ पे है माइनस, ठीक है? तो माइनस है तो इस वजह से हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये होगा अपना 4 cos³θ, तो ये आएगा माइनस में 4 cos³θ मतलब ए, फिर फॉर्मूले में होता है माइनस का 3 sin θ, सॉरी 3 cos θ माइनस का, लेकिन माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस में 3 cos A, डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास cos A। अब देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 3 आएगा और यहाँ आएगा साइन क्यूब ए और प्लस में आएगा 3 sin A और डिवाइड में आ जाएगा साइन ए। सिमिलरली प्लस में यहाँ इसमें से करोगे ये आएगा माइनस में 3 cos³A और ये आएगा प्लस में 3 cos A और डिवाइड में आ जाएगा cos A। देखो एक बार इसके डिवाइड में इसको लिखेंगे तो यहाँ बनेगा माइनस का 3 sin²A और प्लस में एक बार इसके डिवाइड में साइन ए को लिखोगे प्लस में 3। सिमिलरली यहाँ बनेगा माइनस का 3 cos²A और ये प्लस में 3। इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन है तो साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर 1 हो गया, तो यहाँ बचेगा माइनस 3 प्लस में 3 प्लस में 3 6, तो ये 3 प्लस में 3 लिख दो, ये इससे कैंसिल होके ओनली 3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 180 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है कि साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू ए है और कोस एक्स प्लस कोस वाई इज इक्वल टू बी है, देन आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि इनमें से किसके इक्वल होगी। 180 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं भाई, ये कोई मुश्किल थोड़ी ना है। यहाँ देखो साइन एक्स प्लस में साइन वाई इज इक्वल टू ए दे रखा है, साइन एक्स प्लस में साइन वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है ए, तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 2 sin A प्लस में बी मतलब एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2 और ये आएगा कोस ए माइनस में बी एक्स माइनस में वाई डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू आ गया ए, ठीक है? और सिमिलरली अगर मैं कोस एक्स प्लस में कोस वाई इज इक्वल टू बी दिया हुआ है इस पे फॉर्मूला यूज करूंगा तो वह आएगा 2 cos A प्लस में बी एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2 और ये आएगा कोस ए माइनस बी एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, जब डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल, साइन डिवाइड बाय कोस टेंजेंट तो ये आ जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस में वाई डिवाइड बाय 2 और यहाँ आ जाएगा टेंजेंट एक्स माइनस में वाई डिवाइड बाय 2, सॉरी ये तो इससे कैंसिल ही हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा ए डिवाइड बाय बी। तो यहाँ से टेंजेंट एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2 की वैल्यू आई ए डिवाइड बाय बी, टेंजेंट एक्स प्लस में वाई डिवाइड बाय 2 की वैल्यू क्या आई, ए डिवाइड बाय बी आ गई, ठीक है? अब मेरे को चाहिए वैल्यू किसकी, टेंजेंट एक्स माइनस में वाई डिवाइड बाय 2 की, इसकी वैल्यू चाहिए टेंजेंट, इसकी तो आ गई वैल्यू ए डिवाइड बाय बी, ठीक है? अब हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए, इस ये जो रिजल्ट आया मेरे पास 2 ये 2 ठीक है यहाँ पे आया, इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। जब स्क्वायर करके ऐड करोगे देखो साइन स्क्वायर प्लस में ये आएगा कोस स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा, ये दोनों कॉमन आएगा ना, कॉमन आएगा और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ से रिजल्ट ये आएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 तो ये आएगा 4 cos²
एक्स माइनस में वाई डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, जब इन दोनों को रिजल्ट का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तब। यहाँ से फोर उधर जाके डिवाइड में, तो यहाँ से कोस स्क्वायर से मैं सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा और सीकेंट स्क्वायर से मैं टेंजेंट की वैल्यू निकाल लूंगा। तो यहाँ फोर उधर जाके डिवाइड में और ये कोस स्क्वायर है, तो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में वाई डिवाइड बाई टू की, यह आ जाएगा फोर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से टेंजेंट एक्स माइनस में वाई डिवाइड बाई टू की वैल्यू क्या आएगी, वही अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर माइनस वन वही आएगी, सीकेंट स्क्वायर ये रहा, सॉरी टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आएगा फोर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस वन, तो ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई टू की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू ये यहाँ पुट करोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस में, इसकी वैल्यू ये रही यहाँ पुट करोगे ये आएगा फोर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन। अब इसका एलसीएम ले लो गाइस, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 181 और 82 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कंसिडर ए ट्राइंगल ए बी सी, सेटिस्फाई द रिजल्ट, इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करता है, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आपको बताना है और साइन ए साइन बी साइन सी आपको बताना है, इनमें से क्या रिजल्ट आपका होने वाला है। ओके, तो हमें ये रिजल्ट गिवन है, तो इसी रिजल्ट का हम यूज करते हुए कुछ कर लेते हैं अभी, धमाल है ना। तो देखो हमें गिवन है कि टू ए इंटू में साइन स्क्वायर सी डिवाइड बाय टू प्लस में टू सी इंटू में साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू टू ए प्लस में टू सी माइनस में थ्री बी, ये अपने को जो है गिवन है। अब देखो अगर मैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करूँ, ट्राइंगल अपने को दे रखा है, तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करें तो वहां से अगर आप लोगों को याद हो साइन स्क्वायर की वैल्यू, अगर मैं जो ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ और ये सी, तो हमें पता है साइन स्क्वायर सी डिवाइड बाय टू किसके इक्वल होता था भाई, एस माइनस में ए इंटू में एस माइनस में बी डिवाइड बाय ए बी, इसके इक्वल होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय टू की, तो ए क्या होगा, एस माइनस में बी इंटू में एस माइनस में सी डिवाइड बाय बी इंटू सी, इसके इक्वल होता है। इसी रिजल्ट का यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो ये अपने को गिवन है टू ए इंटू में, यह आएगा एस माइनस में ए इंटू में एस माइनस में बी डिवाइड बाय ए बी प्लस में टू सी इंटू में, ये होगा एस माइनस में बी इंटू में एस माइनस में सी डिवाइड बाय बी सी, और इक्वल में अपने को दे रखा है ये, ठीक है, इक्वल में दे रखा है अपने को टू ए प्लस में टू सी माइनस में थ्री बी। यहाँ देखो एक ए से एक ए कैंसल, एक सी से सी कैंसल। अब हम क्या कर लेते हैं इसका, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, s माइनस में b, इन दोनों में से कॉमन है, कॉमन ले लेंगे s माइनस में b, साथ में 2b कॉमन है, 2b कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच्चा s माइनस में b कॉमन ले, s माइनस में a डिवाइड बाय b और प्लस में यहाँ बच्चा मेरे पास s माइनस में c डिवाइड बाय b, एलसीएम लेंगे b आएगा, एलसीएम b लेने पर ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू एस माइनस में बी इंटू, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2 एस माइनस में ए माइनस में सी डिवाइड बाय बी आ जाएगा, ये रिजल्ट आया, यही रिजल्ट आया। हाँ या ना, मैं बताओ। अब इज इक्वल टू क्या है अपने पास, इज इक्वल टू है टू ए प्लस में टू सी माइनस में थ्री बी, ये रिजल्ट है। अब देखो हमें पता है कि जो अपना टू एस होता है क्या, कि टू एस माइनस में ए माइनस सी जो होता है वो बी के इक्वल होता है, ये इसकी लेंथ है ए बी सी है ना, साइड्स की लेंथ, तो ये अपने पास ये रिजल्ट होता है टू एस माइनस में ए माइनस सी इज इक्वल टू बी, तो ये क्या बनेगा अपना पूरा b बनेगा, b से ये b कैंसल हो जाएगा, तो 2s माइनस बी इज इक्वल टू ये इधर इसके इक्वल आ जाएगा,
किसके इक्वल आया, यह आया मेरे पास 2 इंटू में एस माइनस में बी इज इक्वल टू 2 ए प्लस में 2 सी माइनस में 3 बी के इक्वल। ठीक है, बी से बी कैंसल हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब एस की जगह मैं लिख सकता हूँ, इस रिजल्ट का यूज कर सकता हूँ। देखो 2 एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस में बी प्लस में सी, मतलब साइड्स का सम हो गया। ठीक है, और यहाँ जब इसके अंदर प्रोडक्ट करूँगा तो ये आएगा मेरे पास 2 एस माइनस में 2 बी इज इक्वल टू 2 ए प्लस में 2 सी माइनस में 3 बी। जब 2 एस की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा कि ए प्लस में सी इज इक्वल टू 2 बी आएगा। और ये कब होता है, जब ए बी सी किसके अंदर हो, ए पी में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका, सॉरी ऑप्शन बी आपका करेक्ट। उसके बाद ये कहता है कि साइन ए साइन बी और साइन सी किस में होगा। देखो भाई, अगर मैं साइन ए साइन बी और साइन सी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो वो भी आपके पास किस में आ जाएगा, ए पी में आ जाएगा। ठीक है, वो भी किस में आ जाएगा आपके पास, ए पी में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका भी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183। ये कहता है कि P इज इक्वल टू, अपने को ये दे रखा है, Q इज इक्वल टू अपने को ये दे रखा है, R इज इक्वल टू ये दे रखा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये कहता है कि P इंटू आर टू होगा, पी क्यू आर एन जी पी, ये जी पी के अंदर होंगे, चलो कोई बात नहीं। तो P है तो एंगल माइनस में, तो बाहर लिख सकता हूँ मैं टेंजेंट 11 पाई बाई 6, तो माइनस में इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट 12 पाई माइनस में पाई बाय 2 पाई माइनस में पाई बाय 6 लिख सकता हूँ। और 2 पाई माइनस थीटा माइनस का टेंजेंट होता है, तो ये आ जाएगा टेंजेंट पाई बाय 6, क्योंकि माइनस पहले से है। और टेंजेंट 30 की वैल्यू आप सभी को पता है कितना होती है, 1/√3, तो P की वैल्यू आई 1/√3। सिमिलरली अगर मैं क्यू की बात करूँ तो यह आएगा टेंजेंट, यहाँ दिया हुआ है 21 पाई बाय 4, तो मैं इसको 5 पाई प्लस में पाई बाय 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकते हैं 5 पाई प्लस में पाई बाय 4, और ये मेरे पास 5 पाई कहाँ आता है, यहाँ आता है 2 पाई, फिर यहाँ पे 3 पाई, अगेन यहाँ 4 पाई, अगेन यहाँ 5 पाई, और प्लस जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा टेंजेंट पाई बाय 4 और इसकी वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली अगर मैं आर की बात करूँ तो यहाँ दे रखा है कोट 283 पाई बाय 6, तो कोट 283 पाई बाय 6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, डिवाइड करके देख लो, इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो ये 6 4 पे गया, 6 जब 24, यहाँ पे जा 4 3 6 7 42, तो ये आएगा 47 प्लस में 47 पाई प्लस में पाई बाय 6 ये आएगा, और 47 ओड है, ओड यहीं पे आएगा, मतलब तो ये यहीं पे आएगा, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव, तो ये आएगा कोट पाई बाय 6 और इसकी वैल्यू √3 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे P क्रॉस R इन दोनों की अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा तो 1 आएगा, लेकिन ये कहता है 2 आएगा, ए ऑप्शन गलत हो गया। P के ओर जी पी के अंदर है, तो देखो 1/√3, 1 और ये √3, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे √3 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे √3 आएगा, बिल्कुल 100% है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 184 से 185 नंबर क्वेश्चन देखो। ये कहता है गिवन दैट टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन व्हाट इज टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। देखो गाइस, अगर टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा इन दोनों इक्वेशन इसके क्या है, रूट्स हैं, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, माइनस का बी बाय ए, तो यह है माइनस का बी बाय ए, तो यह आएगा माइनस का बी, ए की वैल्यू तो 1 है, तो सम ऑफ रूट क्या आया, माइनस का बी बाय ए। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाय ए, सी की जगह क्या है, सी है डिवाइड बाय ए, ए की जगह कितना है 1, तो यह आ जाएगा सी। अब हमें पता है टेंजेंट अल्फा प्लस में बीटा का फॉर्मूला,
क्या टेंजेंट अल्फा प्लस में टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस में टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का बी है डिवाइड बाय 1 माइनस में प्रोडक्ट की वैल्यू सी है। तो ये रिजल्ट आ गया, माइनस का बी डिवाइड बाय 1 माइनस सी। अब आप सी कॉमन भी ले सकते, मतलब नीचे में से माइनस कॉमन ले सकते हो, तो बी डिवाइड बाय सी माइनस 1 आ गया। और इसको लिख सकता हूँ बी डिवाइड बाय सी माइनस 1 की पावर माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। और वही ये कहता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा सीकेंट अल्फा इंटू सीकेंट बीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम वही एक आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। देखो साइन अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा कोस बीटा प्लस में कोस अल्फा साइन बीटा, और डिवाइड में ये सीकेंट, देखो मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में क्या बन जाएगा, कोस अल्फा और ये कोस बीटा बन जाएगा, है ना। तो एक बार इसको इसके डिवाइड में लिखेंगे तो साइन अल्फा डिवाइड बाय कोस अल्फा, ये बनेगा टेंजेंट अल्फा, और कोस बीटा से कोस बीटा कैंसल प्लस में। एक बार इसको डिवाइड में लिखेंगे तो कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसल, साइन बीटा बाय कोस बीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट बीटा, और साइन टेंजेंट बीटा प्लस में टेंजेंट अल्फा इसकी वैल्यू माइनस बी। तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 186 नंबर क्वेश्चन देखो, गिवन है कि ए इज इक्वल टू अपने को दे रखा है ये वाले टर्म, और बी इज इक्वल टू अपने को दे रखा है ये वाला टर्म, देन व्हाट इज ए डिवाइड बाय बी। तो आपको बताना है कि ए डिवाइड बाय बी आपका क्या होगा। तो देखो गाइस, अगर ए डिवाइड बाय बी करूंगा इज इक्वल टू डिवाइड कोस ए माइनस में कोस बी, इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कोस ए माइनस में कोस बी का। तो कोस ए माइनस में कोस बी क्या, टू साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय टू, ठीक है, और साइन बी माइनस ए डिवाइड बाय टू। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय टू, तो ये आएगा टू साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय टू, करोगे इन दोनों को ऐड करोगे डिवाइड बाय टू करोगे, तो ये आ जाएगा 48 डिवाइड बाय टू 24, और साइन बी माइनस ए करोगे इसमें से इसको माइनस करोगे 24 डिवाइड बाय टू करोगे तो कितना आ जाएगा 12, ये आ गया। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ यूज करेंगे साइन ए प्लस में साइन बी का फॉर्मूला, तो टू साइन ए प्लस में बी डिवाइड बाय टू, ए प्लस में बी करोगे तो ये आएगा 120 डिवाइड बाय टू करोगे 60, और यहाँ आ जाएगा कोस ए माइनस में बी डिवाइड बाय टू, तो ए में से इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा 72 डिवाइड बाय टू करोगे 36। सिमिलरली नीचे यहाँ पे साइन ए माइनस में साइन बी का फॉर्मूला, तो 2 कोस ए प्लस बी डिवाइड बाय टू तो 36, कोस ए माइनस में बी डिवाइड बाय टू करोगे तो 24, और यहाँ पे सेम कोस ए माइनस में कोस बी का फॉर्मूला, तो 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय टू तो 60 आएगा, और साइन बी माइनस ए डिवाइड बाय टू करोगे तो साइन 12 आएगा। तो देखो साइन 12 से कैंसिल, 24 से 24, 2 से 2, 36 से 36, 60 से 6, सारे कैंसिल होके 1 आ गया, आंसर सी आ गया। नेक्स्ट 187 नंबर क्वेश्चन, साइन ए प्लस में 2 साइन 2 ए साइन 3 ए इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बताना है कि 1, 2, 3 इनमें से किसके इक्वल होगा ये रिजल्ट। तो हम क्या कर लेते हैं, सिंपल स्टेप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, ए को पुट कर देते हैं 30 डिग्री, तो यहाँ आएगा मेरे पास साइन 30 प्लस में 2, ये हो जाएगा साइन 60, और ये हो जाएगा साइन अपने पास 30 पुट करेंगे 90। साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और 90 की वैल्यू 1, 2 से 2 कैंसल, तो यह है मेरे पास 3/2 प्लस में √3। तो रिजल्ट आना चाहिए मेरे पास ये, और एलसीएम वगैरह ले लोगे तो मतलब 2√3 प्लस में 3 डिवाइड बाय 2, ये रिजल्ट आना चाहिए। तो ये देख लो आप 1, 2, 3 इन तीनों में से ए को 30 डिग्री पुट करने पर किसका रिजल्ट ये आता है, ठीक है, और जिसका रिजल्ट ये आएगा वो आपका करेक्ट होगा। यहाँ पुट करते हैं, यह आएगा 4, यह आ जाएगा साइन 30 पुट किया तो ये हो जाएगा 60, इनटू में आएगा कोस स्क्वायर 30 पुट किया तो ये आएगा 15 डिग्री, है ना। अब साइन 60 की वैल्यू आप सभी को पता है, और इसकी साइन स्क्वायर 15 की वैल्यू तो नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू तो होगी √3/2। अब इसकी वैल्यू नहीं पता, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस में कोस
टू थीटा, मतलब ये हो जाएगा 30 डिग्री डिवाइड बाय टू। फॉर्मूला बता दिया मैंने, इस तरीके से फॉर्मूला का यूज़ भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से 2 into 2 4, 4 से 4 कैंसिल, तो यह आया √3 और यह आ जाएगा 1 प्लस में। 30 पे वैल्यू कितना, √3 डिवाइड बाय 2, एलसीएम लोगे तो यह आएगा √3 और यह आ जाएगा 2 प्लस में √3 डिवाइड बाय 2। तो मल्टीप्लाई करने पर यही रिजल्ट आएगा। तो एक तो पहला आंसर आपका होगा भाई, तो 1 तो जरूर होगा, तो बी आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली इसमें पुट करो, सिमिलरली इसमें पुट करके देख लो, रिजल्ट आ जाएगा। तो तीसरा भी आपका आंसर होगा गाइस, क्योंकि देख लो थर्ड, फर्स्ट और थर्ड दोनों सेम है। यहाँ अगर मैं 8 को लिखूँ 4 into 2 और ये साइन है और ये कोस है, तो देख लो साइन 2 थीटा बन गया ना ये, तो 4 sin 2 theta into ये। यहाँ भी देखो ये चीज़ तो दी हुई है, तो 1 और 3 सेम ही चीज़ है, इसका मतलब 1 और 3 आंसर होंगे, ऑप्शन सी आंसर आ गया। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ एक्स इज इक्वल टू sin 70 into sin 50 है और वाई इज इक्वल टू ये है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू। तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू पूछ ली भाई साहब ने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूछ ली तो हम भी कौन से कम है बता देंगे, है ना। तो प्रोडक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं एक्स इंटू वाई करूँगा तो ये आएगा मेरे पास sin 70, ये आएगा sin 50 और ये आएगा cos 60 और ये आएगा cos 80। cos 60 की वैल्यू तो 1/2 फिक्स हो गई, और इसको मैं लिख सकता हूँ sin 70 है ना, sin 70 को मैं लिख लेता हूँ 90 माइनस में 20, और यहाँ पे है sin 50 और ये हो जाएगा cos 80, 1/2 sin 90 माइनस में क्या हो जाएगा cos 20 हो जाएगा, और यहाँ पे है cos 80 और ये हो जाएगा sin 50, है ना। अब इसमें हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं गाइस, इसको भी आप कोस में ही चेंज कर लो, तो ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा cos 20 और ये हो जाएगा कोस, इसको लिखोगे या cos 40 और ये हो जाएगा cos 80, है ना, यही चीज आएगी। तो ये आ गया मेरे पास cos 20 into cos 40 into में कितना cos 80, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, cos 80 cos 40 into में कितना है मेरे पास, cos ये है मेरे पास, ये ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज कर लेता हूँ, 1/2 ये कितना है cos 20, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 60 माइनस में 20 इंटू में, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 60 प्लस में 20, है ना, और cos 60 माइनस में थीटा और cos 60 प्लस में थीटा, cos 60 माइनस में थीटा और cos 60 प्लस में थीटा, ये होता है मेरे पास 1/4 cos 3 थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1/4 cos 3 थीटा, मतलब 60 हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो 20 है ना, यही बनेगा। और यहाँ पे कोस थीटा भी होता है, कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/4 कोस 3 थीटा। तो ये मेरे पास 1/2 है, 1/2 इंटू ये पूरा रिजल्ट आपके पास बना, ये 1/4 और कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये आंसर आएगा 1/16 आंसर आएगा, ऑप्शन ए आंसर आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है याद रखना कोस थीटा और कोस 60 प्लस में थीटा और इनटू में कोस 60 माइनस में थीटा इज इक्वल टू होता है 1/4 कोस 3 थीटा, और ये याद होना चाहिए आप लोगों को रिजल्ट। कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में ये दे देता है कि कोस 60 प्लस में थीटा कोस थीटा मतलब, और कोस 60 माइनस में थीटा इज इक्वल टू, वो लिख देता है के टाइम ऑफ कोस 3 थीटा,
तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। तो ये रिजल्ट डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि के की वैल्यू ये होती है, ठीक है ना। और साइन का रिजल्ट भी हमने पहले पढ़ा था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट 189। ये कहता है साइन थीटा वन प्लस में साइन थीटा टू प्लस में साइन थीटा थ्री थीटा फोर इज इक्वल टू फोर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। कल भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था अगर आप लोगों को याद है, कि अगर साइन ए प्लस में साइन बी प्लस में साइन सी अगर थ्री है तो कोस ए प्लस में कोस बी प्लस में कोस सी की वैल्यू क्या होगी। तो रिजल्ट आया था जीरो, अगर आप लोगों को याद है तो, क्योंकि मैंने इसको क्या माना था, मान लिया ये भी वन है, ये भी वन है और ये भी वन है, तो वन 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 तभी तो थ्री आया। तो इसकी वैल्यू भी वन मान लेते हैं, ये वन ये भी वन ये भी वन। अब साइन थीटा वन अगर वन है तो कोस थीटा वन क्या होगा, अंडर रूट वन माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा वन, और इसको मैंने वन माना है तो वन माइनस वन कितना जीरो, तो ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो। तो रिजल्ट आया ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। तो ये था भाई, कल भी हमने ये क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190, व्हाट इज द वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू पूछी है। यहाँ पे है मेरे पास 1 प्लस में कोस पाई बाय 8, लिख लेते हैं एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे है 1 प्लस में कोस 3 पाई बाय 8, ठीक है भाई चलेगा। और यहाँ पे है 1 प्लस में कोस 5 पाई बाय 8, 5 पाई बाय 8 को मैं पाई माइनस में पाई बाय 8 लिख सकता हूँ, और कोस पाई माइनस थीटा माइनस का कोस थीटा होता है, तो ये माइनस का कोस पाई बाय 8 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, इस 7 पाई बाय 8 को मैं लिखूँगा पाई माइनस में 3 पाई बाय 8 लिख स, इसको आप लिख सकते हैं 7 है ना, अपने को 7 चाहिए गाइस, अरे उल्टा कर दिया। देखो इसको तो मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस में 3 पाई बाय 8, तो यहाँ 3 पाई बाय 8 आ जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस में पाई बाय 8, तो यहाँ माइनस में कोस पाई बाय 8 आ जाएगा। देखो ए प्लस में बी और यहाँ ए माइनस में बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो 1 माइनस में यह कोस स्क्वायर पाई बाय 8 हो जाएगा, और यहाँ ए प्लस में बी ए माइनस में बी, तो 1 माइनस में यह कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 आ जाएगा, और 1 माइनस में कोस स्क्वायर, वन माइनस में कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर कितना 3 पाई बाय 8, ठीक है। और साइन स्क्वायर ये 3 पाई बाय 8 आ गया, अब इसकी आइडेंटिटी मतलब यूज कर लो यहाँ पे आप लोग, यूज कर लोगे आइडेंटिटी। देखो इसको अगेन आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, कोस में साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में कोस 2 थीटा, तो मतलब पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2, इसको लिख सकते हो 1 माइनस में कोस 2 थीटा, मतलब ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2। बस इसी कोस पाई बाय 4 की वैल्यू 3 पाई बाय 4 की वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा 1/8। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 190 तक हम लोगों ने कर लिए, ठीक है, बाकी के क्वेश्चन ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये कंप्लीट करवा दूंगा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे नेक्स्ट अपनी क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम आप सभी बच्चों को।